आज की बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में अल्लामा इक़बाल की शख्सियत और फ़िक्र फ़न पर अंग्रेज़ी, उर्दू और पाकिस्तान की दीगर कौमी ज़ुबानों में लिखी जाने वाली कुतुब पर कौमी सदारती इकबाल अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। मैं इकबाल अकेडमी को मुबारकबाद देता हूँ इस सिलसिले में। मैं सदारती अवार्ड्स हासिल करने वाले स्कॉलर्स को तहदिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये इन अहले इल्म की काविशें हैं कि इकबाल फहमी और इकबाल शनासी की रवायत बहुत ही मुस्तहसन अंदाज से आगे बढ़ रही है। डॉक्टर अब्दुर्रूफ रफीकी साहब ने जब से इकबाल अकेडमी पाकिस्तान के डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाली है तो हसब तवक्को इकबाल अकेडमी पाकिस्तान की सरगर्मियों में बेहतरी आई है और इनमें इजाफा हुआ है। मैं डॉक्टर अब्दुर्रूफ रफीकी और इनके रफ़काए कार को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इकबाल अकेडमी पाकिस्तान के अगराज व मकासद के असूल के लिए जिस अंदाज से अपनी कोशिशों का आगाज़ किया है, मुझे यकीन है कि इससे न सिर्फ इकबाल अकेडमी पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होगा बल्कि हमारी कौमी ज़िंदगी में उसका किरदार पहले से ज़्यादा मुअस्सर और नुमायाँ होकर सामने आएगा। नौजवानों, ये वतन, ये मुल्क, ये पाकिस्तान 65 से 70% आपका है और आप इस मुल्क का सबसे कीमती सरमाया हो। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे नौजवान इकबाल से रूशनास हो और इकबाल से मुकालमा करना शुरू करें, इसलिए कि इकबाल की फ़िक्र का फोकस या जो मरकज़ है वो ये है कि इकबाल आपको एक आगाह, मुतहर्रक और फ़हाल एंटिटी के तौर पे देखना चाहता है। आप फ़हाल तभी हो सकते हैं कि जब आप सबसे पहले अपने आप को पहचानें, जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं इस ज़मीन के साथ एक गहरा इंटीमेट रिश्ता इस्तवार कर लें, एक ऐसा रिश्ता जो एक तरफ तख्लीकी हो और दूसरी तरफ तनकीदी, यानी एक मुसल्लस बनाए और इस मुसल्लस को लेकर आप आगे बढ़ें और आगाही के सफ़र पे चल पड़े। और इस सफ़र में चलते चलते न सिर्फ आप को अपनी ज़मीन का पता चले कि जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं वहाँ कल्चरल हेरिटेज की तारीख जो है या उम्र वो कितनी पुरानी है। मैं समझता हूँ कि कम से कम 9,500 साल पुरानी है अगर आप मेहरगढ़ से शुरू करें और फिर मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है और पूरी ज़मीन, ज़मीन की टोपोग्राफी, ज़मीन के मौसम, ज़मीन के चरंद परिंद, फूल पत्ते, दरख्त, नबातात वगैरह और इस ज़मीन में छुपी जो दौलत है, इस ज़मीन के हीरोज़, इस ज़मीन के ज़ीरोज़, इस ज़मीन के वो सखी लोग जिनकी वजह से इस ज़मीन पर अब भी सेंस प्रिवेल करता है। लेकिन आप लोग